को बाबा पार ले जाते हैं। तो नैया को पार ले जाते समय बहुत सारी बातें आती है ना। और एक है, मतलब जब वो नैया जा भी रही होती, जो नेवी वाले हैं वो अनुभव सुनाते हैं, तो पहले से अलर्ट होता है कैप्टन को, बहुत पहले पता चल जाता है अलर्टनेस का, और वो दे देता है। तो जो विश्वास करता है वो अलर्ट रहता है, जो नहीं, तो बाबा भी, ये नैया कहते हैं ना, भव सागर के नैया, उन्होंने सिर्फ कह दिया लेकिन साथ में नाविक तो चाहिए ना। तो बाबा हमको गाइड भी करता है, अलर्ट भी करता है, तब ये सुरक्षित और विजयी होकर वो नैया पहुंचती है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 12:10, मीठे बच्चे बाप खेवैया बनाया है, इस तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हेल्प की जरूरत है। इस पार से उस पार जाना है। तुम बच्चे हरेक का पाठ देखते हुए किसकी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? ड्रामा परफेक्ट है। पाठ परफेक्ट है, ये कितना हमारा इनग्रेन्ड हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज हो नहीं सकते। ओके, दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? बहुत सारे दो शब्द है बाबा का। याद हाँ, याद याद अल्फ और बे, अल्फ और बे, पूरा चक्र, चक्र का राज समाया, आना और जाना, ठीक है। दुख और सुख, अल्फ और बे हो गया ना, मतलब दो ही है, ब्रह्मा विष्णु ने पूरा चक्र का राज समाया। याद और ज्ञान, याद और ज्ञान। हम सो सो हम। तो टुमारो, आज और कल, कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। मुझे एक्चुअली संगम युग में बहुत इजी है ना बताना है, क्योंकि टाइम दिखाई दे रहा है, स्वर्ग के झाड़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी इसमें तो आज और कल कहना बहुत मुश्किल है द्वापर युग में। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। साकार में चली ना, तो उस समय तो लगता है ना बाबा के सामने बैठे, वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला भी है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं, पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है, वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे, वह इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वो तुमको पार भी पहुंचाते हैं, तो ये समझते हो वो इस ब्रह्मा तन में भी बैठे हैं।
मुरली चल रही है, आज भी मुरली से वो चेंजेस आ रहे हैं, किसके कारण है? वो प्रत्यक्ष वाइब्रेशन की फीलिंग है ना, और बाबा कहते हैं मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दे? अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में रहने वाली है, वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में, मधुबन में मुरली सुनते हैं और यहाँ फर्क है, रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं, यहाँ ये महसूसता आती है। जब बाप दादा सामने हो तो फीलिंग तो आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी कि अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं ना, अब नाटक पूरा हुआ, तो अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने, यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वो बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है, वह लोग भल गाते हैं। वैसे बाबा ने बीच में से नाविक बना या शुरू से बना? भव सागर से इधर से उस पार गन जाना, तो बीच में से नाविक बना ना, हम तो जा रहे थे। नहीं, ऑन द वे, राइट है। एक्चुअली हमने जर्नी शुरू ही कहाँ करी थी, सत्यु के तरफ की। ये तो ज्ञान में आने के बाद कोई सत्यु की तरफ की जर्नी है, तो इसलिए सत्यु के तरफ के रास्ते हैं, इसलिए धारणाएं हैं। हाँ, कुछ पता नहीं, बल्कि स्वर्ग तो डिस्काउंट करते हैं वेदांत में, वेदांत फिलोसफी में। स्वर्ग का सुख मतलब अच्छ अल्पकाल का सुख, इसके लिए तुम पुरुषार्थ करे तो इतना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में दिया इसके लिए। हाँ, तो मैं सोचती थी कि अगर स्वर्ग के लिए भी अगर इतना सारा करना पड़ता है, तो मोक्ष के लिए तो और ज्यादा करना पड़े, लीन होने के लिए तो और ज्यादा करना पड़ता है। उतना तो हो, अगर उतना भी प्रत्यक्ष में कम दिखाई देता है ना, जो भी हमको सिखाते हैं उनमें, तो बाबा कहते हैं तो अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने, ये भी समझाते तुम घर कैसे जा सकते हो। वो बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वो लोग भल गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं कि नैया किसको कहा जाता है, क्या वह शरीर को ले जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में बैठी है, नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है, यहाँ है विष का सागर, वहां है क्षीर का सागर, मतलब क्षीर मतलब इतने संस्कार मिलन, सुख का सागर, यहाँ संस्कार मिलन हो जाता है, वहां सुख ही सुख है। और मूल वतन है शांति का सागर, तीनों धाम है, कि विष का सागर है, दुख धाम है, मतलब क्या प्रूव्ड है, हर बात में सुख के पीछे दुख समाया हुआ है। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते, इतना करते, लेकिन उसके पहले कितने सारी बाधाएं भी आती है, संस्कारों का भी टकराव होता है, कितनी सारी, वो जब तक वो सुख आता नहीं उसके पहले ही कितने सारे, हाँ फिर वो, हाँ कि
भाई तुम लोगों ने शादी में बुलाया तो सही, लेकिन ये गिफ्ट तो दी नहीं, या दी तो ऐसी वाली दी, होता है ये तो। सुख था, सुख के पीछे दुख हर चीज, और प्रोसेस में पता नहीं कितने सारे और अलग अलग टक्कर आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए बाबा क्यों कहते हैं दुख धाम। यहाँ है विष का सागर, तो यह है दुख धाम। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं, सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वो झूठ कैसे निकले, इसलिए याद के यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना, बाप बार बार समझाते, याद की यात्रा है, याद की यात्रा है अग्नि। अग्नि में याद सोना पक्का होता है ना, बाप बार बार समझाते हैं। यह समझानी जो तुमको देता है, देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ। अच्छा, हमारा पार्ट है फिर 5,000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ, बच्चे पावन बनो। सत्युग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन रहती है। कितने साल हम पावन रहे एक्चुअली, देखो शांति धाम प्लस और वो आत्माएं पावन कितने समय रही, अगर बाकी वाली। और अगर वो जो लास्ट के 2 जन्म वाली आत्मा हो तो फिर तो उसमें संस्कार ज्यादा होने चाहिए ना पवित्रता के। प्योरिटी की भावना कर्म में जो आती है वो है पवित्रता। बाकी मतलब बीमारी, मैं सो गई, बीमारी चल रहा है लेकिन मैं सो गई, मुझे महसूस नहीं हुआ, वो प्योरिटी नहीं है ना। वो तो फिर हिसाब किताब चुक तू करके गई। हाँ, पर लेकिन वो कर्म में नहीं, कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियस स्टेज में जो प्योरिटी है वो काउंट करते हैं कि तुम पावन थे, अब तुम अपवित्र बने। वो तो खाली हिसाब किताब चुकतू करके बस ऊपर गए, मतलब पवित्रता की एक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है ना। हाँ, हिसाब किताब चुकतू करके पवित्र गए, लेकिन कर्मों में प्योरिटी का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, उतना रिकॉर्डिंग नहीं है कर्मों में। तो इस कारण वो आत्मा यहाँ आती है तो भी थोड़े समय तक उसका प्रारब्ध भोगती है, फिर हिसाब किताब ही शुरू हो जाते हैं उनके। हमारे हिसाब किताब कहाँ शुरू होते हैं सत्युग त्रेता में भी, और वो भी कलयुग एंड में ज्यादा होते हैं। तो बाबा कितने सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, जानते बाप परम धाम में रहते तो कहते हे भगवान हमको परम धाम में बुलाओ। अच्छा, सत्युग में तो फिर जब आत्मा शरीर छोड़ रही है तब कहेंगे कि अब तो जाता हूं मैं भगवान के पास, फिर क्या कहेंगे। आत्मा शरीर छोड़ रही है, जस्ट इमेजिन करो वो स्थिति। नॉर्मली आज की दुनिया में चाहे कैसी भी आत्मा हो, लास्ट में कहते हैं ना अब तो मैं जा रहा हूं अल्लाह के पास, जाता हूँ कयाम, जो भी वैसे उनकी टर्मिनोलॉजी, वहां कहेंगे उसको दूसरा दिखाई देता है, मैं यहाँ छोड़ के अब वहां जा रही हूँ, ऊपर नहीं जा रही हूँ। तो जानते बाप तो सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है, तब पुकारते हे भगवान, आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, बाप रहते ही है परम धाम में, घर को ही याद करते, ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं है, वह रहते ही है शांति धाम में, सब शांति मांगते रहते हैं।
परम धाम में भगवान के पास जरूर शांति होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है वह है आत्माओं के रहने का स्थान। जहां से आत्माएं आती है सत्यों को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। अच्छा फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन तो है ही, मूल वतन है आत्माओं का घर सूक्ष्म वतन, साइट ऑफिस। दिव्य दृष्टि वो भी की बात आता है। है, दिव्य दृष्टि की बात है सूक्ष्म वतन। तो बाकी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है, पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो सूक्ष्म वतन का। सूक्ष्म वतन में पाठ माना जाएगा, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ ही नहीं है। अच्छा तो अच्छा बाबा करा रहा होगा कुछ उसको। हाँ रिसर्च भी तो, साइंस साइंटिस्ट को कैसे मानेंगे, वो कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस होंगे तो मानेंगे। तो सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं है। बाद में तो रहता ही नहीं है, फिर थोड़े से समय के लिए उसमें पाठ होता है। जैसे संदेशियों का पाठ है उसमें तीन तरह का होता है। एक है ध्यान में जाना, दिखाई देता है साक्षात्कार। दूसरा है बाबा जो कहते हैं वो समझना, वो है मतलब जैसे टचिंग पावर है या सॉर्ट ऑफ संदेशी है। लेकिन तीसरा है जो बाबा ने जैसे कहा वैसा, मतलब बाबा से कुछ पूछा और बाबा ने वो संदेश दिया, वो फिर हम लेकर आए। जो यज्ञ में कुछ कुछ का है पाठ, संदेशी का पाठ, ऐसा वाला ऑफिशियल संदेशी का। तो बाबा कहते हैं, और उसमें बहुत थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है, इतना सा भी संकल्प ऐसा वैसा किया कचरा जमा हुआ और फिर बाबा को बोल दिया कि बाबा अब मत बुलाना मुझे, बस। उसके बाद बाबा देखो किसी को बुलाते नहीं, अब मत बुलाना, एक बहन ने कह दिया था तो बाबा नहीं बुलाते। उसने कहा फिर मैं कितना कोशिश कर रहा, नहीं हूं, बहुत बहुत डेलिकेट है। तो मतलब जैसे हम कहते थे शांति बहन जी के लिए बाबा को, गीता बहन जी का, बोला नहीं मैं नहीं बोलूंगी बाबा को। उस दिन भी कहा कि भाई लास्ट बताए क्या करे नहीं करे। मैंने, मोहिनी बहन भी थे, शांति बहन जी भी, गीता बहन जी भी, गुलजार दादी को भेजा बाबा के पास क्या करे। उसमें संदेश में बहुत थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं होता है, रिलेशन में थोड़ा सा भी इफेक्ट हो जाए और रियल संदेश नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं तो सूक्ष्म वतन का ये निराला पाठ चलता है। ये साक्षात्कार की बात है, कल और आज ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सत्युग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में है, सत्युग में तो अथाह सुख है तो कोई बुलाते ही नहीं है। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो, बाप भी कहते मैं जानी जाननहार हूं। अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, परंतु सुनाऊं कैसे, विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। रथ का भी परिचय देते, ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमोप्रधान बनी है। इस समय सब डैश है क्योंकि बाप को जानते नहीं है।
जो जिन्होंने पढ़ा वो नहीं बोले हैं, यूनिक वर्ड है। बाबा कहते इस समय सब छोरे हैं, छोरे छोरी है। ये हरियाणवी और राजस्थानी लैंग्वेज है। छोरा किसको बोलते हैं? नहीं, वो तो पता है, लड़के को मतलब हाँ, मतलब इतना वो कोई जिम्मेवार नहीं है, ये इस तरह छोरे छोरे छोरियां। हाँ, जिम्मेवारी नहीं है, मतलब जैसे वो गृहस्थी हो जाते ना तो एक बांध बंध जाता है, एक वेट हो जाता है। तो इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है, मतलब सगाई नहीं हुई है किसी की, तो सब छोरे और छोरिया हो गए। हरियाणवी भी तो है ना। नहीं, मतलब चीप वर्ड बोलते हैं, मारवाड़ीज में है। तो बाबा कहते हैं आपस में लड़ते हैं, तो कहते ना छोरे छोरिया लड़ते क्यों, मतलब वही निधन के ऑर्फन्स। तो बाप कहते मुझे तो सब भूल गए हैं, आत्मा ही कहते हैं छोरे छोरिया। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते छोरे छोरिया, ये हाल क्यों हुआ है। हाँ, छूटे ले सॉर्ट ऑफ, कोई ऐसे बंधन नहीं है। हाँ, नॉर्म जो शादीशुदा होते हैं उनके नहीं बोलते हैं। हाँ, तो जो लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरिया, ये हाल क्यों हुआ है। कोई धनी धोनी नहीं है, तुमको बेहद का बाप जो स्वर का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो टिक्कर बितर में। एक्चुअली पर्पस नहीं हुआ ना लाइफ में, छोरे छोरिया, नो पर्पस। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते, अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है, तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको हमको नई दो, पुरानी नैया क्या हो गई है, खौफनाक हो गई है, खतरनाक है ना। क्यों, नैया खतरनाक कब होती है? कौन है नेवी वाले प्रदीप भाई? नैया खतरनाक कब होती है? छेद है, नीचे का पानी अंदर आ रहा है। तुमने क्रोध किया, मुझे गुस्सा आ गया, तुमने ऐसा कुछ किया, मुझे इरिटेशन हो गई, सारी की नैया कैसी है, छेद वाली है, पूरी फुल छेद वाली है, और जा रहे हैं सागर में। हाँ, आत्मा नहीं, मतलब नैया आत्मा ही, फीलिंग्स समझ लो, पूरी छेद वाली है। तो जो हो रहा है नीचे वो अंदर हो रहा है, जो बाहर हो रहा है वो अंदर हो रहा है, इसलिए बाबा कहते खौफनाक है। कोई है ऐसी नैया जी के जो पूरी ये है, मतलब बाहर नीचे का पानी अंदर नहीं आता है, कोई नैया है किसकी ऐसी? नहीं, कल का था ना पुरुषार्थ, प्रभाव मुक्त। बच्चे कहते हैं तो कहाँ, रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, पुरानी नैया खौफनाक होती है। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई चाहिए, नई दो। इनको वस्त्र भी कहते, नैया भी कहते। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा वस्त्र चाहिए, मतलब रथ भी ठीक है लेकिन आत्मा है ना मेन, तो इफेक्ट तो आत्मा को हो रहा है ना, वो भी ठीक है कि शरीर को, शरीर के छिलने से थोड़ी किसी का इफेक्ट होगा, आत्मा एकदम ऐसी टूटी फूटी हो गई है तब उसका असर होता है। मतलब उस कंटेक्स्ट में हर स्टेटमेंट को लेना है, कुछ कंटेक्स्ट में लक्ष्मी नारायण का वस्त्र ऐसे,
हाँ बट नैया टूटी फूटी है, टूटा फूटा है, लेकिन खौफनाक क्यों है शरीर? खाली बीमार होने से शरीर खौफनाक थोड़ी है। हाँ आत्मा की क्वालिटीज है ना, तो इसको लक्ष्मी नारायण जैसा वस्त्र चाहिए, तो मतलब क्या आत्मा को वो लक्ष्मी नारायण वाली स्टेटस चाहिए, वो क्वालिटीज होनी चाहिए। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों स्वर्गवासी बनना चाहते हो, पूछ रहे बाबा तो तैया बैठे ही है। हाँ तो चाहते हो तो हर 5,000 वर्ष बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर मैं नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो, यहाँ तुमको नशा चढ़ता है, हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर्स पर बैठते हो तो आज बाबा बार बार फोकस करा रहे हैं, मधुबन चलना है ना सबको। तो बाबा कहते हैं वहां सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको ये भासना नहीं आएगी, यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी समझते हो कि बाबा इस गौमुख द्वारा हमको समझाते हैं, इस मुख की भी कितनी महिमा है। ब्रह्मा बाबा के मुख से कहते हैं, क्या क्या उसके टर्मिनोलॉजी बाबा यूज करते हैं ब्रह्मा बाबा के मुख के लिए, गौमुख और भागीरथ, और वो नंदी बैल कुछ से बोलते हैं ना, बोला जाता है उनके कान में, तो ये गौमुख है, तो इस मुख की भी कितनी महिमा। इसलिए वहां गौमुख का मतलब ही उद्गम स्थान, जहां से गंगा की शुरुआत होती है। कितनों ने देखा है, वैसे देखना चाहिए, नहीं देखा है गौमुख? अच्छा नहीं दिखती है? नहीं वो ऐसे कुछ मुंह कुछ किया होगा बाबा। हाँ तो वहां पूजा वूजा करते होंगे ना, कुछ भी नहीं है। अच्छा अब बोलते ही गौमुख है तो कितनी वैसे महिमा होती है। अदरवाइज गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं, किस तरफ है उत्तर अमरनाथ उत्तराखंड में भी कहाँ? अच्छा उससे भी ऊपर है। अच्छा कितनी मेहनत से जाते हैं, मनुष्य समझते ही नहीं कि यह गौमुख क्या है, कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं। अच्छा इसमें फायदा ही क्या, वहां जाकर वो पढ़ वहां से वो सुनाए वो गंगा जल वहां से भरते हैं, कई ऐसे होते हैं वहां से, क्योंकि उद्गम स्थान है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। कई बार आता था जैसे घरों में ना, यहाँ से भी भरते हैं, बोला गौमुख से लाए हैं, ये पूरा आप यूज करो, ये पूरी बीमारी दूर कर देगा। वो तो था ही जड़ी बूटी वाला पानी था, तो इससे फायदा ही क्या है, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं अच्छा ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, कुछ भी मत देखो, आज सनसेट पॉइंट मधुबन जाओ ना, नो सनसेट पॉइंट। तो ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, इसमें फायदा कुछ भी नहीं, फायदा होता ही है एक्चुअली, ये सब घूमना फिरना मन की संतुष्टि है, चेंज वेंज जो भी हम कहते हैं, और उसमें जो इतना हिल जाता है ना, जो रूटीन में खाना पीना हिलता है, रूटीन की योग हिलती है, मुरली हिलती है, मतलब इतना सब लॉस करके फिर वो जो भी फायदा होता है थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो इसलिए बाबा इस कभी कभी बाबा को नशा रहता है, और ही टाइम वेस्ट होता है।
ये जो बाबा के ऐसे पक्के बच्चे हैं, मैंने कहा कि आप बहुत दिन हो गए गए नहीं आप, बोला क्यों जाना है, जाते हैं ये सब पूरा। पहले तो इतना दिन लगा वो स्थिति बनाने में, फिर इधर का बाहर का खान पान खाओ और पूरा वापस वो स्थिति जीरो लेवल पे आ जाती है। फर्क तो पड़ता ही है, 100% फर्क पड़ता है। तो ये बाबा कहते हैं बाबा, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं फायदा होता ही है पढ़ाई में, गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हट्टी उगादी की बात नहीं है, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजयोग लेने के, राजा ही लेने के लिए। तुम जानते हो उस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि है। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु तो वास्तव में इसमें हथियारों आदि की तो बात ही नहीं है। काली को देखो कितना भयानक बनाया है, यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी चार आठ भुजा वाला थोड़ी होगी, और देवियों की जितने भी लड़ाई बताते हैं ना, वो बताते हैं आकाश में। ये बाकी जो फेमस लड़ाइयां है वो नीचे धरती पर, देवियों की लड़ाई आकाश में। अब इसके पीछे क्या रहस्य है? नहीं तो उनकी स्थिति क्या थी, श्री कृष्ण श्री राम उन सब की लड़ाई, पांडवों की लड़ाई नीचे, श्री कृष्ण की तो कोई लड़ाई नहीं, वो नीचे बताइए, वो आकाश में बताए। हम अभी ये देख रहे हैं ना आज के प्रोग्राम के लिए, हमने सोचा कोई देवी का देखे, तो सब ऊपर ही देखते हैं। देवी वो इंद्र भी ऊपर ही देख रहा है, लड़ाई उनके ऊपर चल रही है। इंद्र तो नीचे देखे ना, या साइड में देखे, वो भी ऊपर ही देखता है। सोचो इस पर देखो क्या है इसका, इसके पीछे क्या रहस्य है। ऊपर लड़ाइया मतलब वही आकाश में। तो बाबा कहते हैं हाँ, उसमें ये बताया है जो मैंने नोट किया, ब्रह्मा विष्णु ये सब नीचे देखते वो लड़ाई को, ये जब वो सब देवी देवता है ना जो इंद्र के, वो ऊपर देख रहे हैं, वो नीचे देखते हैं ऐसा बताया है। अच्छा देवियां कोई ऐसी चार आठ भुजा वाली थोड़ी होगी, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। तो बाप समझाते ये एक देहत का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात ही नहीं है, अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ पड़ता ही नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये बाप बैठ समझाते। भक्ति मार्ग में फिर भी तुम, भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आ जाएंगे। ये अनादि बना बनाया बड़ा बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, ये खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी बड़ा इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट एक्सेप्ट करने का लॉ है, चेंज हो नहीं सकता। उसका आता है ना रतन टाटा का, अगर मुझे भगवान एक लाइफ टाइम दे दे तो मैं ये सारी गलतियां जो मैंने की वो पूरा ठीक करूंगा, रतन टाटा का आता है बहुत। तो जो हर हर कोई चाहता है कि ये गलती हो गई, अब बाबा अब दूसरे कल्प में ना प्लीज इतना सा चांस दे दो, ये गलती वापस लो। तो बाबा कहते इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, कितना डिफिकल्ट एक्सेप्टेंस होता है। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, कब तक डिफिकल्ट है। एक्चुअली जब हमको जो भी हम सभी ज्ञान में आए, अगर देखो कुछ न कुछ ऐसी कुछ परिस्थिति रही या कुछ ऐसी सिचुएशन रही, तो बाबा का ज्ञान आया लगा, फिर अच्छा लगा, कई सीकिंग थे वो अलग बात है, वो तो और ही अच्छा, या फिर ज्ञान के प्रति जो पुरुषार्थ है वो और बड़ा, ये परिस्थिति आई आने से, ऐसा भी हो सकता है, हुआ किसी का।
हम ये सोचते हैं कि इसके कारण और ये हुआ तो ये कितना अच्छा है, चेंज क्यों हो कि ये दुख ना हो, तो दुख नहीं होगा, ये परिस्थिति नहीं आती हो तो बाबा भी नहीं मिलता, फिर हमको फायदा हुआ ना। एटलीस्ट बाद में के जितने सारे कर्म है वो तो अच्छे हो गए, एक बार जो गलती की वो दुख मिला। हाँ, ज्ञान न मिलने के बाद तो ये ऐसा है ये ऐसा है तो वो तो बोलते ही रहते हैं। फिर आज एक क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, वो तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वो कहते रहते हैं, ये तो बना बनाया खेल है। अच्छा, मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? मतलब वो कहते हैं ना, झूठी दुनिया है, सब संकल्पों की रचना है, अनिर्वचनीय माया है, वेदांत में बोलते हैं परमात्मा के संकल्प की रचना है ये सृष्टि। बाबा कहते हैं ये सब प्रैक्टिकल होता है, बाइस्कोप देख के आते हैं, मतलब एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्या इसको संकल्पों की माया कहेंगे? हाँ, झूठ नहीं है ना, हाँ प्रैक्टिकल है, उसको क्या संकल्प का खेल कहेंगे? संकल्प का खेल नहीं है ना, दिखाई दे रहा है, सीक्वेंस है। सपना भी कैसे है, सपना में तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, आज ये कल वो, कहते दुनिया संसार स्वप्नवत है, स्वप्नवत भी कैसे, पूरा सीक्वेंस है, कल हमने जो छोड़ा था फिर आज सुबह वहां से स्टार्ट करते हैं, तो कनेक्टेड है ना। तो बाबा कहते क्या इसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते, बच्चे ये बेहद का नाटक है जो अगेन इनग्रेन कर रहा है, हू बहू, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हू बहू का मतलब एस इट इज, हू बहू, बाप ही आकर ये नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है, मनुष्य ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी, बाप कहते इतनी आयु थोड़ी हो सकती है, बाइस्कोप कोई लाखों वर्ष का तो हो, और लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठा, तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग, मतलब बहुत थोड़ी कंफ्यूजिंग, एक कल्प में भगवान ने इस कारण अवतार लिया, एक कल्प में भगवान ने इस कारण अवतार लिया, एक एक कल्प में अवतार का रीजन डिफरेंट है, लाखों वर्ष का है, तुमने भक्ति मार्ग का पाठ बजाया, तो ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए, सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहां जाना है, तो बच्चे अपने को हल्का कर दो। एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप में पिक्चर आया था, मैं ये बाबा ने कहा ना हल्का कर दो, फरिश्ता फैमिली पोस्ट करेंगे, कैसे वो बोझा दे रहा है भगवान को, बहुत ही अच्छा आया, इसने भी हल्का कर दिया ना, बोझा किसके है, एक्सपेक्टेशंस का बोझा है, ये करने का बोझा है, हल्का कर दो। एक बार मोहिनी बहन ने कहा मम्मा को, कॉलेज भी जाते थे, सेंटर पे भी रहते थे, सेवा भी करते थे, ये सेंटर नहीं दूसरा सेंटर पे, तो अब बहुत चैलेंजिंग हो जाता था, भाषण करने जाओ फिर इधर स्टडीज भी करो, बोलो मम्मा बहुत मुश्किल होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, इतने इतना सारा काम करना है। मम्मा ने कहा अच्छा बताओ क्या क्या काम है बताओ, डायरी पेन लेके आओ, तो बोला ये बोला लिखो लिखो, वो लिखा, बोला अब जो लिखा है ना अब वैसे करते जाओ, फिर वैसे करते गए। मम्मा ने बाद में कहा कि देखो जब यहाँ काम होता है ना वो भारीपन है, यहाँ काम होता है ना वो भारीपन नहीं, क्योंकि यहाँ ही रहता है ना ये करना ये करना ये करना है, ये बहुत मुझे, मैंने जब से सुनी मैंने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ होता है तो भूल भी जाते हैं और यहाँ होता है तो
ठीक है, ये तरीका यूज करो, हल्का करो अपने आप, करना भी है लेकिन लिखा है, फिर टिक मार्क होता जाएगा, हाँ ये करना है, हाँ ये करना है, करना ये भारीपन है, तो इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट गए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्या, याद क्यों आएंगे? मतलब बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग, यहां तो बच्चे सब कुछ भूलना है, इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है, शांति धाम और सुखधाम को याद करना है, शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते मुझे याद करो, इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। बाप कहते मुझे याद करो, बस इसको योग अग्नि, ये राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है, तुम पवित्र बनते हो किसके लिए? राजा ही के लिए, बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते, तुम भी समझते हो ये नाटक है, सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे, उसको ले जाने के लिए सारे मौजूद चाहिए, क्यों? देख सीक्वेंस भी कितना जरूरी है, वहीं कोई बैठा रहेगा तो यहाँ से जगह तो खाली नहीं हुई ना, लास्ट में ट्रेन पूरी खाली होती है, वो अलग बात है, आजकल मेट्रो में पहले भर लेते हैं सेकंड लास्ट स्टेशन पे क्योंकि, पर अदरवाइज सीक्वेंस ये है, पूरा खाली हो फिर भरे, तो सबको ले जाते हैं। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है, यह ईश्वर की बारात है ना, शिव की बारात है, वहां बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते पाठ बजाने, बाप तो सदैव वहां रहते, मुझे याद ही दुख में करते, अच्छा वहां फिर मैं क्या करूंगा? कहाँ, हाँ वहां मैं क्या करूंगा? तुमको शांतिधाम सुखधाम में भेजा, बाकी फिर क्या चाहिए? सब मेरे बच्चे खुशी है, सुख है, सुखी है, रिटायर्ड, ट्रू रिटायर्ड लाइफ यही चाहिए होता है ना, सब बच्चे सेटल हो गए, कमा रहे हैं, मौज में है, हाँ वो तो वो बाप ने, वो रियल बाप नहीं है ना, ये पारलौकिक बाप की ये स्टेज, और एक्चुअली बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि तुम इंटरफियर करो हमारा, वो तो फिर हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए तो बाकी मैं क्या करूंगा, तुम सुखधाम में थे, बाकी सब आत्मा शांति धाम में थे, फिर नंबर वार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ, बाप कहते बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है, बाप कहते ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है तुम्हारे लिए, ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ, नई दुनिया में अब चलना है ना, हाँ विजयादशमी हो गई और क्या है, तो सब नई दुनिया आई की आई, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग तुहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते, नमस्ते, रम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों बाप की की माँ याद की दादा प्यार, की नमस्ते गुड मॉर्निंग, दादा की शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा, बाबा। वाह बाबा वाह। अच्छा पहला पॉइंट है, अब ये झाड़ पुराना जड़जड़ी भूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है, सब बंधनों से मुक्त कर, फ्री रखे, बुद्धि से फ्री, यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा है, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, किसी भी पाठधारी की
निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। ड्रामा का राज आज कौन सा बताया? चेंज नहीं हो सकता, हूबहू तो विश्व का मालिक बनना है। अच्छा, वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तो ये है साइंस, जहां फेल होगी वहां साइलेंस। एक बार गुलजार दादी दिल्ली में बाथरूम में गिर गए थे, तो बहुत चोट आई वहां स्पाइनल कॉर्ड में दादी को। तो यहाँ से स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद ले गए, ठीक ही नहीं हो रहे थे, बहुत ट्राई किया। मैं बाद में याद याद दिलाना मुझे ये बात में चेंज कर। तो क्या उसके बाद हुआ, पहले ये पूरा कर लेते हैं। स्लोगन है शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। अगले इशारे एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति होती है, महिमा होती है तो स्थिति अच्छी रहती है, और अगर कोई निंदा कर देता है तो अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं। लेकिन स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे तो संस्कार टकराएंगे नहीं। ये बाबा का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं हो। अच्छा प्रेज प्रेज तो वो जो सब ट्राई कर लिया डॉक्टर्स ने, बिल्कुल नहीं हो रहा था, खराब ही होती जा रही थी। जानकी दादी ने कहा इनको, कैलाश बम को जाओ बाबा से पूछो। फिर बाबा ने वतन में दिखाया कि बाबा ने कहा कि देखो विटामिन की डोज ज्यादा तो नहीं जा रही है, बोला। तो फिर जाके नीचे आके बोला दादी को, दादी ने डॉक्टर्स को पूछ बताया कि आप जरा चेक करो। देखा कुछ डोज डबल हो रही थी। फिर वो बस ठीक करते ही ठीक हो गए। साइंस जहाँ फेल हो जाती है, ये परमात्मा की शक्ति ये काम करती है। अच्छा जी, ओके।